संस्कृत संभाषण के द्वारा संस्कृत भाषा पुनर्जीवन करने का भारतस्य भाषा सर्वेषां जननी लगातार गत 36 वर्षों से पुनर्जीवनम अपितु संपूर्ण विश्व के अनेक देशों में केवलम एक भाषा पुनरुज्जीवन विभिन्न प्रकार के मात्र आवासीय भाषा का शिक्षण शिविर नहीं है के माध्यम से संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनम लगातार भारत का पुनरुज्जीवन संस्कृत अनुरागी रिवाइवल ऑफ संस्कृत उत्पन्न करने का रिवाइवल ऑफ और संस्कृत को जन-जन की भाषा बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर और इसी क्रम में राज्यांग रचना सभा में संस्कृत भारती के अखिल भारतीय अधिकारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कामत ने संस्कृत होना चाहिए अपनी बात को ऐसे प्रस्ताव लाने वाले अंबेडकर थे। यानी दूरदर्शिता इतनी थी संस्कृत भारत का पुनरुज्जीवन के लिए राष्ट्रीय भावैक्य के लिए सामाजिक समरसता उच्च नीच भेदभाव निवारण के लिए भाषा भेदभाव मिटाने के लिए भारत एक शक्तिमान राष्ट्र हो इसके लिए संस्कृत अत्युत्कृष्ट साधनम ऐसे अंबेडकर जैसे महान विभूति का विचार था। किंतु अदूरदर्शी नायकों ने संस्कृत को माना नहीं। बाद में अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो इसे बोलने वाले थे हमारे राज्यांग रचना सभा। बाद में अंग्रेजी भी नहीं संस्कृत भी नहीं हिंदी आई। किंतु हिंदी की आज की परिस्थिति क्या है? हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कम से कम साल में 15 दिन सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्यालय भी नहीं बोलते हैं सरकारी दफ्तरों में। यानी हिंदी भी ऐसे मिश्रित भ्रष्ट हो गई है। अरबी फारसी बोल रहे हैं हिंदी के नाम पर। आज का अखबार दो आज का खबर क्या है या अखबार खबर ये हिंदी का शब्द है। महिला औरत बन गई है। हम क्या ने हमारी हिंदी भी बचाने के लिए संस्कृत अनिवार्य है। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं का संरक्षण के लिए अनिवार्य है। भारतीयता भारतीय ज्ञान भंडार संस्कृत में है। संस्कृत पुनरुज्जीवन के लिए संस्कृत भारती काम कर रही है। भाषा पुनरुज्जीवन में बोलने वालों को तैयार करना सबसे पहले। दैट विच इज स्पोकन इज ए लैंग्वेज जो बोली जाती है वही भाषा है। संस्कृत मृत भाषा को संस्कृत में कोई ज्ञान का न्यूनता नहीं है। संस्कृत में 45 लाख पांडुलिपि ग्रंथ है 45 लाख मैनुस्क्रिप्ट 5 लाख ग्रंथ भारत से चुरा कर ले गए अमेरिका में कनाडा में जर्मनी में जापान में फ्रांस में इंग्लैंड में विश्व के सभी प्रमुख देशों में G8 G20 G40 कंट्रीज में 40 देशों में 254 यूनिवर्सिटी में 254 विश्वविद्यालयों में भारत से बाहर संस्कृत पढ़ाया जाता है। लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पूछते हैं संस्कृत क्यों संस्कृत ले जाने से आप बैलगाड़ी जमाना जाएंगे। मनीष सिसोदिया जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं शिक्षा मंत्री वो संस्कृत IITs में संस्कृत भी एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाएगा इसे केंद्र सरकार ने जब घोषित किया तुरंत तो कंप्यूटर भाषा ही बदल दीजिए अभी जावा ये सभी बाइनरी लैंग्वेज सभी छोड़ दीजिए अभी अंग्रेजी ये संस्कृत को कंप्यूटर में लाइए और सभी भाषाएं छोड़ दीजिए ऐसे उपहास करते थे। यानी ऐसे लोग हमारे देश में जिनको हमारी जो परंपरा हमारी संस्कृति हमारा धरोहर इसके कल्पना ही नहीं है। जो अंग्रेजी से ही अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन लेकर पढ़ते हैं
और भारत के मूलों से जड़ों से उनका संबंध ही नहीं है, ऐसे लोग यहाँ वहाँ हमें मिलते हैं। संस्कृत हमें हमारी जड़ों से मिलाने के लिए है, हमारे संस्कारों से, संस्कृति से। भारत का भारतीयत्व यह संस्कृत में है। भारत से संस्कृत हटाइए, हम सभी इंडियंस होंगे। भारत माइनस संस्कृत इज इक्वल टू इंडिया। हमें भारतीय बनाने के लिए संस्कृत अनिवार्य है। इस दृष्टि से संस्कृत पुनरुज्जीवन के लिए संस्कृत भारती काम कर रही है। और हमारे कार्यकर्ता जो हैं, ऐसे आप देख रहे हैं, यहाँ महाकौशल के अलग अलग से शेडोल से हैं, या जाबालीपुर तहत सन्ती अत्र विभिन्न स्थानेभ्यः। ऐसे हमारे वर्ग मध्य प्रदेश में 3 जगह चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश चतुर्षु स्थानेषु, तमिलनाडु राज्य में 2 जगह चल रहा है, उत्तर तमिलनाडु में चेन्नई में, दक्षिण तमिलनाडु में कोयम्बतूर के पास तिरुपुर में। ऐसे पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में हमारा वर्ग चल रहा है, पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, अगरतला में भी हमारा वर्ग चल रहा है। ऐसे 32 वर्ग चल रहे हैं। इन वर्गों में स्वयं प्रेरणा से 4000 कार्यकर्ता आए हैं, नए कार्यकर्ता हैं। ये यहाँ जो आए हैं ये पुराने कार्यकर्ता नहीं हैं, अपने कोष से स्वयं शुल्क देकर वो भाग ले रहे हैं। संस्कृत के क्षेत्र में पैसा देकर लाना पड़ता है, जो आएंगे उनको थोड़ा लिफाफा में देना पड़ता है, उनको 3 AC भी नहीं चलता, 2 AC में उनको लाना पड़ता है संस्कृत के विद्वानों को। किंतु यहाँ संस्कृत क्षेत्र में काम करने के लिए स्वयं प्रेरणा से आए, जो आए हैं उनमें 2 लोग रिटायर्ड आदमी भी हैं, ऐसे 10वीं के भी 2-4 छात्र हैं, महिला आए हैं, पुरुष आए हैं ऐसे। और संस्कृत ये वर्ग विशिष्ट ब्राह्मणों की ऐसे बोलते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में प्रजापति है, कुमार लोग हैं, SC ST हैं, OBC हैं, संस्कृत संस्कृतम सर्वेश, संस्कृतम सर्वत, ये लक्ष्य लेकर संस्कृत भारती काम कर रही है। ये यहाँ ट्रेनिंग, ये 12 दिन का ट्रेनिंग है, 13 दिन यहाँ रहेंगे, 12 दिन पूरा ट्रेनिंग है। वो संस्कृत के काम करना, आम आदमी सामान्य लोगों के बीच संस्कृत संस्कृत संभाषण सिखाना, जैसे बच्चों को बाल संस्कार केंद्र में, ऐसे पत्राचार माध्यम से संस्कृत, घर बैठे बैठे आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। ऐसे हमने हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, मलयालम, बंगाली, असमिया, उड़िया, इंग्लिश 11 भाषाओं में आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। ऐसे हमने स्कीम तैयार किया है, हमारी योजना। व्याकरण नहीं सिखाते हैं, पहले भाषा, उसके पीछे पीछे व्याकरण। पहले ही रामा 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 एक भूत खड़ा करेंगे, आप 10 साल पढ़ने के बाद भी संस्कृत में बोल नहीं सकते। संस्कृत भारती की विशेषता है सरल संस्कृत। मैं विज्ञान का अहम मम जीवने कदापि संस्कृतम न पठितवान, किंतु हमपि अत्र 10 साल पहले मैं संस्कृत भारती में प्रवेश किया। सुन सुनकर श्रवणम भाषण न तो पठनम लेखनम अनिवार्यम नास्ति, यथा मातृभाषा श्रवणम भाषणम, आपने आपकी मातृभाषा सब लोग आपने आपकी मातृभाषा कैसे संस्कृत भाषा भी हम सीख सकते हैं। लाखों लोग जैसे घर में दोनों संस्कृत बोलते हैं, इसके कारण बच्चों की मातृभाषा संस्कृत बनी है। ऐसे 5000 संस्कृत ग्रहण इसी मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला में एक झिरी नाम का एक गांव बना है, आप देख सकते हैं, भोपाल से 125 किलोमीटर दूर है।
राजगढ़ जिला में झिरी में ब्राह्मण परिवार एक है, मात्र एक, सभी एससी एसटी ओबीसी सब संस्कृत बोल रहे हैं, युवा लोग सभी संस्कृत बोल रहे हैं, संभाषण शिविर चला रहे हैं, बाल संस्कार केंद्र चला रहे हैं। ये सभी करने का प्रशिक्षण ट्रेनिंग यहाँ इस शिविर में दिया जाता है। संस्कृत भारती ऐसे हमारा सोपान, प्रथम सोपानम संभाषण कर्तृणाम निर्माण, बोलने वालों को तैयार करना। द्वितीय सोपानम उनको ही इच्छा पैदा होगी पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए सरल योजना, व्याकरण नहीं डायरेक्ट भाषा, इसीलिए हमने पत्राचार संस्कृत योजना, हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा, अभी हम पढ़े हैं संस्कृत में हम समझ सकते हैं, उन लोगों को पुस्तकें नहीं, जैसे नरेंद्र कोहली के वसुदेव पुस्तक को हमने संस्कृत में लाया है, अंग्रेजी शेरलॉक होम्स हमने संस्कृत में लाया है, हिंदी से, तेलुगु से, बंगाली से, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश से हमने संस्कृत में पुस्तकें लाई हैं पढ़ने के लिए, उपन्यास पुस्तक, प्रबंध पुस्तक, सरल पुस्तक, ऐसे 350 पुस्तकें लाई हैं हमने। वी वॉन्ट टू क्रिएट ए रीडरशिप, पढ़ने वालों, हमने एक पत्रिका, मास पत्रिका लाई है, संभाषण संदेश, इस पर 14 देशों में 1,00,000 लोग पढ़ रहे हैं, वर्णमयम चित्रमयम वयम संस्कृत पत्र मासपत्र वयम आनीतवंत। ऐसे संस्कृत भाषा पुनरुज्जीवन में ये सभी एक एक सोपा, पहला स्टेप तो बोलने वालों को तैयार करना, दूसरा पढ़ने वालों को तैयार करना। अभी विद्यालयों में संस्कृत लाना चाहिए, LKG से, बालवाड़ी से संस्कृत लाना चाहिए, क्योंकि आज की शिक्षा में संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन शिक्षा है। संस्कार युक्त शिक्षा के लिए संस्कृत अनिवार्य है, सब लोगों को संस्कार देने के लिए। इसीलिए हमने LKG से, आपसे, आप सभी से आग्रह है, विद्यालयों में संस्कृत, जैसे प्राइवेट विद्यालयों में संस्कार युक्त शिक्षा के लिए संस्कृत लाना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। और सरकार भी मजबूर हो कि सरकारी विद्यालयों में भी, जैसे अभी अंग्रेजी सिखाने के लिए सरकारी विद्यालय सरकार मजबूर हो गया है, नहीं तो सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेजेंगे। ऐसे संस्कृत के लिए भी समाज, सरकार मजबूर हो, क्योंकि संस्कार विहीन शिक्षा है, संस्कार के लिए संस्कृत चाहिए। ये सभी पढ़ने के लिए योजना, और संस्कृत वाचकानाम निर्माण, संस्कृत शास्त्र संरक्षण, संस्कृत के ग्रंथों में 45,00,000 ग्रंथ हैं, उसमें केवल 26,000 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, 45,00,000 कहाँ और 26,000 कहाँ, उन ग्रंथों में क्या है, ये यदि हम समझ सकते, नॉलेज पावर, अभी विश्व में जिसका ज्ञान है वो ही शक्तिमान है। ऐसे ज्ञान, नॉलेज, ट्रेजर संस्कृत में है, संस्कृत में वेद पुराण शास्त्र वगैरह हैं, ये केवल 5%, बाकी के 95% गणित है, खगोल शास्त्र है, सस्य शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, आयुर्वेद है, केवल मनुष्यों का आयुर्वेद नहीं, वेटरनरी साइंसेस, अश्वायुर्वेद, गजायुर्वेद, द बोटेनिकल साइंसेस, इकोलॉजी साइंस, वृक्षायुर्वेद, योगशास्त्र, लोहशास्त्र, संस्कृत में क्या नहीं है, व्यापक पैमाने में संभाषण शिविर, ये सभी चलाने का प्रशिक्षण इन लोगों को हम दे रहे हैं।
इस बार 4000 नए कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के गण में, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे कीर्ति कुमार त्रिपाठी हैं, प्रांत मंत्री हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, ऐसे हमारे जो कोई कार्यकर्ता है वो खुद के पैसे खर्चा करके काम कर रहे हैं। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल पेड वर्कर। पूरी संस्कृत भारती में हमारे 4482 यूनिट्स हैं। हर कार्य हर यूनिट में भी 4, 6, 10, 20 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ऐसे हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, एक भी सवेतनिक कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे स्वयं सेवी संगठन है। अब सभी से मेरी प्रार्थना है, यहाँ विद्यालयों में संस्कृत लाना चाहिए, सभी विद्यालयों में बालवाड़ी से संस्कृत लाना चाहिए, और सरकार ने भी संस्कृत को केवल एक संस्कृत विश्वविद्यालय करने से कुछ नहीं होगा। विश्वविद्यालय किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, कुछ किया है नहीं किया है ऐसा नहीं बता रहा हूँ, किंतु करने को और भी बहुत करना है। जैसे विद्यालय संस्कृत होना चाहिए तो विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। केवल विद्यालय में संस्कृत लाया इसलिए पाणिनि विश्वविद्यालय, पतंजलि बोर्ड सगे वगैरह किया है, किंतु उसको अगत्य स्टाफ भी देना है, ये आप लिख सकते हैं, ऐसे उनकी नियुक्ति करना, ये भी आज की आवश्यकता है। ऐसे संस्कृत सब जगह सब दूर हो, क्योंकि भारत की विश्व की समस्याओं का परिहार के लिए भी संस्कृत एक अत्युत्तम साधन। उच्चवादनतः प्रारंभ रात्रौ दशवादन पर्यंत संपूर्ण दिवसे प्रशिक्षणम, केवल दिवसे प्रशिक्षणम नहीं है, रात सोने के बाद भी स्वप्ने अपि संस्कृतेन चिंतनम संस्कृतेन भाषण, इसीलिए 24 घंटों का प्रशिक्षण है। तो ये राजनीतिज्ञ, ये चैनल चलाने वाले, ये सभी जागृत होंगे। ये उर्दू के पीछे क्या है, उर्दू के पीछे लॉबी, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड लॉबी, वोट बैंक। संस्कृत के पीछे क्या है, वोट बैंक। 100 करोड़ लोग हैं किंतु संगठित नहीं है। यदि संगठित होंगे संस्कृत अभिमानी लोग, इसीलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है संस्कृत के पीछे लोग संगठित हो, इसको हमने प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ
संचार युक्त शिक्षा के लिए और भारतीय बनने के लिए संस्कृत भाषा एक अति आवश्यक भाषा हो जाती है। संस्कृत भारतीय लगातार संस्कृत संभाषण द्वारा संस्कृत भाषा के पुनर्जीवन को करने के लिए लगातार देशी नहीं विश्व के अनेक देशों में भी कार्य कर रही है। 36 वर्षों से लगातार